आप सभी ने कभी न कभी तो सोचा होगा, आखिर बोरुटो सीरीज में सास्के का लेफ्ट हैंड क्यों नहीं है, या कह लो उसने अपने लेफ्ट हैंड को रिप्लेस क्यों नहीं करा जैसे नारुतो ने अपने राइट हैंड को करा है। वैसे बहुत लोगों को तो पता ही होगा, और जिनको नहीं पता ये वीडियो उनके लिए है। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा आखिर क्यों सास्के ने उसका लेफ्ट हैंड रिप्लेस नहीं करा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो यार और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे, आखिर सास्के का लेफ्ट हैंड बोरुटो सीरीज में क्यों नहीं है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि सास्के उसके हैंड को रिप्लेस करना चाहता ही नहीं है। अब आप लोग सोचोगे आखिर ऐसा क्यों, उसके तीन मेन रीजन है। फर्स्ट, वो अपने आपको ज्यादा पावरफुल बनने से रोक रहा है। सेकंड, उसको वो याद दिलाएगा जो उसने पास्ट में क्राइम करे। थर्ड, उसको ये भी याद दिलाएगा नारुतो ने उसके लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस करा है। आप सभी को पता ही होगा वॉर खत्म होने के बाद सास्के सबसे पावरफुल ह्यूमन था नारुतो के बाद, और सास्के सिंडे नॉवेल में हमको बताया है जिसके अंदर वॉर खत्म होने की बात की स्टोरी है। और फुल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके क्लिक करें, क्योंकि हम यहाँ पर एक मिनट से ज्यादा वीडियो कवर नहीं कर सकते हैं।